में पैसा पहुंच चुकी से और काकरों में नहीं पहुंची तो कुछ अंतराल में पहुंच जाएगी, तो पहले जोर के जयकारा होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज ये कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमर किसान भाई मन के अंतर के जो राशि है ओकर वितरण समारोह पूरे प्रदेश में 151 जगह रखेगी से 151 जगह और 9 से 10 लाख हमर अन्नदाता किसान मन जुड़ीन है 151 जगह में। और बड़े सौभाग्य के बात है कि हमर राजनांदगांव के कार्यक्रम में हमर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमर छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में आईन है, जमनकर उद्बोधन आप सब मन सुने हा। मैं चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से एक बार मनकर स्वागत करा। और आज हमारे लिए सौभाग्य के बात है कि हमार छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में जो हमार छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास करीन और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में है ऐसे डॉक्टर रमन सिंह भी जुड़ी ने हैं वर्चुअली, उमन के स्वागत में भी आपन करतल ध्वनि से स्वागत कर। और आज हमारे बलोदा बालोद बालोद के पावन धरती में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान है हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमर छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, कांकेर के सांसद श्री मोहन मंडावी जी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, हमर पार्टी के जिला के अध्यक्ष पवन साहू जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत जैन जी, हमर कांकेर लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक प्रीतम साहू जी, पूर्व विधायक बीरेन्द्र साहू जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्णकांत पवार जी, हमर प्रदेश के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी, श्रीमती सोना देवी देसलहरा जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, लेखराम साहू जी, राकेश यादव जी, अभिषेक शुक्ला जी, श्रीमती प्रेमलता साहू जी, चेनन देशमुख जी और हमर कृषि विभाग के एपीसी सहला निगार मैडम, कृषि विभाग के सबो अधिकारीगण, यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से हमार उपस्थित अन्नदाता किसान भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहली आपन भारी हमार स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला से, ओकर लिए आप मन के सब के हमन बहुत बहुत आभारी हन और आप मन के भी हृदय से अभिनंदन स्वागत। और आज 151 जगह में हमर छत्तीसगढ़ सरकार के सबो मंत्री मन, हमर सांसद मन, विधायक मन और हमर और निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन कार्यक्रम में जुड़ीन है, उमन के भी आज के कार्यक्रम में
बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं आज के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से ज्यादा किसान जयमल्ला कृषक उन्नति योजना में अंतर के राशि आज मिलत है। ऐसे सभी अन्नदाता भाई बहनी मल्ला भी मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ। आप मन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में विश्वास करा और उमन के गारंटी में विश्वास करते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ला दिलाओ। 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट, इकलिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके बहुत बहुत आभार। और हमारे ये छत्तीसगढ़ सरकार के आज 3 साल पूरा हो थे, 3 महीना 13 दिसंबर के हमन शपथ ले रहे हैं, आज 12 मार्च है, तो 3 महीना ये सरकार के पूरा हुई से। लेकिन 3 महीना में ही हमन बड़े बड़े काम कर चुके हैं। मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से हमर मोदी जी जो वादा करे है ओला हमन पूरा करे के दिशा में कदम बढ़ाई चुके हैं। 13 दिसंबर ला शपथ लेहे के बाद दूसर दिन ही 14 तारीख के पहला कैबिनेट रख के 18 लाख गरीब के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाए के निर्णय ले ले हन। ये अगले महीना से और काम शुरू भी होगी से, लेकिन व्यापक रूप से अगले महीना से अप्रैल महीना से सबके मकान बनना शुरू हो जाएगी। 2 साल के धान के बोनस, 15 साल जब हमारे सरकार रही से तो 2 साल के बोनस हम नहीं दे पाए रहे हैं। वो 12 लाख से ज्यादा किसान मन के धान के बोनस हमन 25 दिसंबर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी और मन के जन्मदिन 25 दिसंबर जोनला पूरा भारत देश सुशासन दिवस के रूप में मना थे। ऐसे दिन में 3716 करोड़ रुपया 2 साल के बोनस बकाया बोनस की राशि भेजे के काम करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी हुई से हमर खाद मंत्री बता रही ने कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान के खरीदी हुई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी, बम्फर खरीदी अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस साल करी से। 3100 रुपया की बात हो रही से कुल 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेची ने, उमन के समर्थन मूल्य मिल गई। और आज जो अंतर के राशि रही हमर जो मोदी जी गारंटी देहरीन कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक मुश्त अंतर की राशि को देंगे। और आज आप सब साक्षी हो कि आज 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहाँ करे हन। ताली बजा भाई, इतना बड़े राशि गई से आप मन ताली भी नहीं बजा था। महतारी बंधन योजना अभी 10 तारीख के हमारे प्रधानमंत्री जी जुड़े रहे वर्चुअली दिल्ली ले और हमारे छत्तीसगढ़ के 70,12,600 हमार विवाहित माता बहनी मन के खाता में वहां से बटन दबा के 655 करोड़ रुपया 1 महीना के पहला किस्त 1,000 के भेजे के काम करी ने। साल में 12 महीना के 12,000 महतारी बंधन के पैसा देना है, हर महीना उमन के खाता में 1,000 रुपया जाने वाला है। मोदी की गारंटी के वादा भी हमन पूरा करे हन।
और सबो वादा ला पूरा करवो, चाहे वो आज तेंदुपत्ता के एक वादा फिर पूरा करने वाला हन। एकर बाद में हमार कोंडा गांव में काम कार्यक्रम है, तेंदुपत्ता के सीजन आगे से हमार मोदी की गारंटी में वादा है तेंदुपत्ता संग्राहक मन से कि आप मन के तेंदुपत्ता हम 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे, 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से, और 15 दिन तेंदुपत्ता के खरीदी हुई। पिछली सरकार में कीमत 4,000 रही, लेकिन खरीदत रहिन मात्र 2 दिन 3 दिन, लेकिन हमन 15 दिन खरीदवो। और जो चरण पादुका योजना जो रहीस, हमर माता बहनी बन के पाँव में कांटा खूंटी मत गड़े, इकले चरण पादुका योजना फिर से चालू हमारे सरकार करने वाला है। तो ये सब काम हमन आगे करबो, चाहे भूमिहीन मजदूर किसान ला 10,000 रुपया सहायता देहे के बात हो, या 500 रुपया में गैस सिलेंडर देहे के बात हो, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने वाला समय में करी। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सबला में आश्वस्त करत हो। और रामलला योजना, रामलला दर्शन योजना भी शुरू हो चुकी से, हमर मोदी की गारंटी में रहीस। 22 जनवरी के हमर छत्तीसगढ़ के भाचा भगवान राम, चूंकि छत्तीसगढ़ हमर माता कौशल्या के धरती है, और इस नाते भगवान राम हमर छत्तीसगढ़ के भाचाएं, और 22 जनवरी के वो ट्रेंट से भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होगी ने, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये मंदिर के लिए 500 साल हमर हिंदू भाई मल्ला संघर्ष करना पड़ीस, लाखों व्यक्ति ला कुर्बानी देना पड़ीस, और ओकर बाद सौभाग्य के दिन आई से। कल बिलासपुर से दूसरा ट्रेन रवाना हुई से, ओकर एक सप्ताह पहले रायपुर ले मैं खुद हरी झंडी दिखा के रवाना करे रहे अयोध्या भर, और कल बिलासपुर से रामलला दर्शन योजना के ट्रेन रवाना हुई से। अब हर सप्ताह 10 दिन में एक एक ट्रेन राम भक्त मन के छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाही, और भगवान राम के दर्शन करा के सरकार मुफ्त में पूरा सरकारी खर्चा में ये योजना चलने वाला है। और बड़े बड़े काम मोदी के गारंटी ला पूरा करत हन, लेकिन ओकर अलावे भी बड़े बड़े काम हमन करत हन। आज सवेरे सवेरे 3 ठन नया हवाई जहाज चला के आए हन, ओकर शुभारंभ करके आए हन। बिलासपुर से 1 ठन कलकत्ता जाही, और बिलासपुर से 1 ठन दिल्ली जाही, और जो जगदलपुर से रायपुर जबलपुर ये भी फिर से शुरुआत हुई। ये 3 ठन हवाई जहाज आज शुरू करके सवेरे सवेरे हमन आए हैं। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज रेलवे के सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान, 7,000 करोड़ से ज्यादा के काम हमारे छत्तीसगढ़ पर स्वीकृत करी है। 7,000 करोड़ रेलवे के क्षेत्र में एक साल में इतना राशि कभी नहीं मिले रिस, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ से ज्यादा के राशि आरोज भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम रही से वर्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जुड़ के वो कार्यक्रम ला संपन्न करी ने। और अभी 35,000 करोड़ से ज्यादा के रेलवे के सेक्टर में काम चलत है, पुराना काम। हमारे भारत सरकार के देन, हमारे मोदी जी के देन। तो इस तरह से बड़े बड़े काम भी हमन करत हन। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए, अब धूप भी आ गई, बहुत देरी से आप मन है, वापस भी जाना है, इसलिए एक बार फिर से मैं 24,72,000 किसान जेमन के खाता में आज कृषक उन्नति योजना में 13,320 करोड़ रुपया भेजे के काम करे हन। ऐसे सबो किसान मल्ला बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए, और आप सबके आशीर्वाद जैसे विधानसभा में मिली से वैसे लोकसभा में भी मिले, हमला मोदी जिला फिर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार बनाना है,
इसलिए कांकेर से हमारे प्रत्याशी भोजराज नाग जी हैं, इमला जीता के दिल्ली भेजना है, यही आग्रह करते हुए अपन बात लान करत हूँ। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।